नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक, जहां पे दोस्तों 12,000 वैकेंसीज निकला है, और बात करेंगे दोस्तों हम HDFC बैंक, जहां पे दोस्तों 1,590 वैकेंसीज निकला है, और ये 2020 में लेटेस्ट वैकेंसीज आप कह सकते हो। ये जो जॉब है कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब अवेलेबल है ये आपको जरूर इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आप कंटिन्यू तक देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों ये HDFC बैंक और ICICI बैंक में जो निकला है ये जॉब वैकेंसीज, इसमें दोस्तों यदि आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 12th पास है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू तक देखते रहिए। 12th से लेकर के आप डिग्री डिप्लोमा हर कोई यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम या शेयर से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे जाके आप वन टू वन कम्युनिकेशन आप कर सकते हो हमारे साथ, आप बातचीत कर सकते हो डायरेक्ट कमेंट्स के माध्यम से। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का जो सवाल है। दोस्तों आज का जो सवाल है ये है, ICICI बैंक का चेयरपर्सन का नाम बताइए। ICICI बैंक का चेयरपर्सन का नाम बताइए, ये ABCD में नीचे आप दे सकते हो। ए में है दोस्तों यहाँ पे गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी, और बी में है दोस्तों यहाँ पे संदीप बख्शी, और डी में है दोस्तों यहाँ पे आपको भी विशाखा मिलिया, और डी में है दोस्तों यहाँ पे उदय चिताले। इसका जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको और बताते हैं। तो सबसे पहले जो जॉब लोकेशन है, समझ चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में, तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे ये में है दोस्तों हैदराबाद में, और ये एक हैदराबाद में है, उसके बाद नंबर दो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद तीन आंध्र प्रदेश में है, चार बेंगलुरु में है, उसके बाद दोस्तों आप ये दिल्ली में है, फिर पंजाब में है, फिर राजस्थान, केरला, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद पटना यहाँ पे नहीं दिख रहा है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आसाम, फिर चेन्नई, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली NCR में, उसके बाद चंडीगढ़ में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके इस जॉब को आप बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस जॉब के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, यदि आपको 12th प्लस है यानी कि 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हो। यदि 12th पास प्लस यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है तो आपको जो है अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों यदि आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भी आप अच्छा खासा सैलरी, ज़्यादा सैलरी आपको मिल जाएंगे। ये HDFC बैंक और ICICI बैंक में कौन कौन सा जॉब है, कौन कौन सा पोजीशन में कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वन बाय वन हर कोई जॉब आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।